सो अगेन आप सभी आईटीआई साथियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट भर्ती आई है जो कि टाटा टेक प्रोजेक्ट द्वारा लगाई जा रही है और ये जो कैंपस होने वाली है ये आपकी जो होगी दीघा घाट पटना में। तो जो भी साथी बिहार के ऑल ओवर कैंडिडेट जो भी साथी आईटी कंप्लीट कर रखे हैं वो आना चाहते हैं तो जरूर कैंपस में आए। पटना में आपकी कैंपस होने वाली है, लोकेशन आपकी जो है दीघा घाट पटना। अभी हम वीडियो में सारी लोकेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे और कौन कौन सा ट्रेड जो है आ सकते हैं, कैसे आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आने हैं और हाँ आपको जो है किस तरह से प्रिपेयर होके थोड़े आने हैं और कैंपस आपका कब किस डेट में आपके होने वाली है। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहें, आपको जो है पटना में ही आपको एक दिन में आपको जॉब मिलने वाली है। जो भी साथी आईटी कंप्लीट कर रखे हैं और इधर उधर काम कर रहे हैं उससे अच्छा है कि आपको जो है 3 साल का जो है आपको इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम मिलने वाला है तो आपके लिए बेहतर होने वाला है। आपको सैलरी भी अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी, आपको स्टार्टिंग सैलरी में भी 14 से 15 हज़ार आपको स्टार्टिंग होगी। उसके बाद आप जैसे आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होती जाएगी आपकी सैलरी उतनी अच्छी बनती जाएगी, मे बी आपसे 25 से 30 हज़ार से आपके तक सैलरी जा सकती है, लेकिन हाँ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। हम आपको कंपनी भी बताएंगे। वैसे टाटा टेक जो है इनके प्रोजेक्ट हैंडलिंग कर रही है और इनके द्वारा जिस भी कंपनी में आपका जो है सिलेक्शन होगी, मतलब अभी हम सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको कंपनी में क्या बनती है और बहुत अच्छी कंपनी है, हमने कंपनी को भी देखा है कंपनी में क्या बनती है और कैसे आपको काम करना है वो हम सारी चीज़ें अभी बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक देखें और उसके बाद जो है और क्या एज लिमिट होने वाली है, वैसे 18 से प्लस है तो वैसे हम अभी हम उसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे कैंपस की। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं स्टेप बाय स्टेप और बिहार के ऑल ओवर के कैंडिडेट जा सकते हैं बिल्कुल। और आपका जो है कैंपस होने वाली है 26 को और ये जो 26 को आपका कैंपस होने वाली है तो हम चलिए वीडियो को में सारी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन इनके द्वारा दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो कैंपस है बिहार सरकार जो है श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो है लगाया जा रहा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा घाट पटना, ये आपकी कैंपस है। ईमेल आईडी आईटीआई दीघा घाट पटना dighapatna@gmail.com। तो इन पे भी आपकी जो है नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे प्लेसमेंट की जो सूचना है वो देख सकते हैं, टाटा टेक प्रोजेक्ट से प्लेसमेंट हेतु प्रमाण पत्र के आलोक में दिनांक 26/9/2023 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा घाट पटना में MABP MABR वर्कशॉप में टाटा टेक प्रोजेक्ट एवं इनके प्रोजेक्ट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एक्सिस ग्लोबल ऑटोमेशन। तो यहाँ पे जो है एक्सिस ग्लोबल ऑटोमेशन जो कि इनके पार्टनर हैं उनमें जो है प्लेसमेंट हेतु जॉब कैंपस का आयोजन किया गया है, जिनमें निम्नलिखित ट्रेड के आईटीआई जो है उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो है भाग ले सकते हैं। तो कौन कौन सा ट्रेड भाग ले सकते हैं तो आप यहाँ पर नीचे मेंशन कर रखा है। रिपोर्टिंग टाइम आपकी 11 बजे है, डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे अभी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ट्रेड जो है आप यहाँ पर देख लें, फीटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वेल्डर है, टर्नर है, एस्केलेटर प्रैक्टिस है। तो इन सभी जो है ट्रेड के जो है कैंडिडेट जो है जा सकते हैं। बाकी बात हम बात करें कंपनी की टर्म एंड कंडीशन की, तो भाई कोई भी कंपनी की कहीं भी जगह आप काम करोगे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको फुलफिल करने होते हैं। तो अब देखते हैं कि टर्म एंड कंडीशन इनकी क्या रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्म एंड कंडीशन है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन एनी वन ऑफ आवर ब्रांचेस इन इंडिया। जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर और उनको जो है इंडिया के किसी भी ब्रांच में आपको काम करना होगा उनके अकॉर्डिंग, वो आपको कहाँ प्रोवाइड करेंगे क्योंकि इनके बहुत सारे ब्रांचेस चलते हैं। तो मे बी आपको चांस अच्छा होगा तो आपको पटना के नज़दीक ही काम मिल जाएगा। बाकी बात इनके जो है बहुत ज़्यादा काम यूपी में, दिल्ली में, बहुत जगह इनके जो ब्रांचेस है तो कहीं भी मे बी आपको मिल सकते हैं काम। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट जो है इनकी जो है कंडीशन क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मस्ट बी वेलिंग टू इंटर इंटू 3 ईयर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विथ एक्सिस ग्लोबल ऑटोमेशन ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो भाई जो भी साथी कंपनी मतलब वहाँ पर जाने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट अच्छी होगी और आपकी जब सेलेक्ट हो जाओगे आप उसके बाद जो है कंपनी में 3 साल का एग्रीमेंट आपसे करवाया जाएगा। 3 साल तक आपको जो है कंपनी में समय देने हैं, काम करने हैं। आप छोड़ भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि मान लो कि एग्रीमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता, बस आपसे एक लिखवाया जाता है कि पर आप 3 साल तक आपके लिए जो है ये जॉब होने वाली है। 3 साल तक अगर आप अच्छे से करते हो तो मे भी आपको अच्छा खासा
रिवेन्यू भी होगी और आपके आपके इनकेस फ्यूचर के लिए है, आप करना चाहो तो आप वहाँ पे जाने के बाद आपको काम करने के बाद ही समझ में आएगी सारी चीज़ें। अभी हम वो सारी चीज़ें आपको ए टू जेड अभी डिटेल से भी बता देंगे आपको क्या क्या करना होगा। उसके बाद ही है द ग्रोश जो है, यहाँ पे आपकी थ्री नंबर टर्म एंड कंडीशन है द ग्रोश रेमुनेशन ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। आपकी जो है जो है जो काम के दौरान जो है जो भी आप जब जॉब करोगे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी जो स्टार्टिंग होगी आपकी 14,000 पर मंथ, इसमें इंक्लूड होगी सारी चीज़ें जिसमें कि ESI वगैरह जो है, उसके बाद जो है अदर स्टैंडर्ड रिडक्शन जो भी काटती है कंपनी, बहुत सारी कंपनी जो है बहुत सारे फंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें काटती है, सूट कैंटीन ये सब काट काट के जो है आपकी सैलरी घटा दी जाती है। तो आपको इंक्लूड है सारी चीज़ें काटने के बाद जो है कंपनी आपको 14,000 स्टार्ट कर रही है। तो अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत सारी कंपनी में जो सैलरी होती है 17,000 मिलती है, भाई 10,000 12,000 तो इसमें क्या होता है डिडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई डिडक्शन इसमें वैसा कुछ नहीं है, आपको इंक्लूड है सारी चीज़ें डिडक्शन, कैंटीन वगैरह जो भी ड्रेसेस जो भी अभी चीज़ें कंपनी द्वारा प्रोवाइड करती है तो वो सारी चीज़ें आपको जो है सैलरी आपको इन हैंड आपको उतना मिलेगी देखने के लिए। उसके बाद भी एक चांस और है, आप देख सकते हैं आप मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है जो है ट्रेनिंग परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयमेंट देयर ग्रोश मंथली सैलरी विल बी इंक्रीज्ड। आप देख सकते हैं सैलरी विल बी इंक्रीज्ड अगर आपकी मंथली परफॉर्मेंस आपकी जो रेगुलर जो है एम्प्लॉयमेंट को जो है देयर ग्रो जो है आपकी जो है कंडीशन अच्छी होती है, आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपको सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अभी शुरुआती में दे रही है उतना क्योंकि भाई ITI जो करके जाते हैं बंदे, बहुत सारे छात्र जो है ITI करके जाते हैं उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल भी। मैं सारे स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं कर रहा लेकिन हाँ बहुत सारे इसमें से 80% स्टूडेंट को नॉलेज नहीं होता है उनके ट्रेड के बारे में, सिर्फ वो छोटे मोटे टूल्स वगैरह के नाम जानते हैं, उनको काम करने के बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। कितने सारे कैंडिडेट जो अच्छे से जॉब बना पाएंगे बिना कोई हेल्प के, आपको अगर दे दिया जाए सारे मशीनें आपको दे दी जाए जो है जो कि ऑटोमेटिक होती है मैनुअल नहीं होती है, तो क्या उनमें लगता है कि आप प्रॉपर जॉब बना पाओगे जो भी आपको डीलिंग दे दी जाएगी फीटर से अकॉर्डिंग? तो भाई नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने जो भी किया है वो आपको आप जो है मैनुअली किया है उसके बाद जो है वहाँ जब ऑटोमेटिक मिलेगी बस आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आपसे प्रॉपर नहीं बन पाएगी। आपकी जो तो प्रॉपर बनने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, वो तो आपने किया ही नहीं कहीं। तो इस तरह से कंपनी डायरेक्ट किसी को सैलरी हायर नहीं करती है ज़्यादा, जो कि उनको भी पता है कि जो भी जो है यहाँ पे जो है जो भी बंदे जो भी छात्र जो है ID किए हुए होते हैं ऑलमोस्ट ऑल ओवर कैंडिडेट जो है कि बेसिक पीरियड होते हैं उनके जो है अच्छे उतने अच्छे जो है आप जो है एक्सपीरियंस नहीं होते हैं क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस के ही पैसे मिलते हैं। अगर आपके पास अच्छे एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये हो जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड देयर जो अकोमोडेशन एंड लंच। देखिए ड्यूरिंग द 3 ईयर्स आपको 3 साल तक कंपनी जो है आपको जो है लंच और खाना पीना रहने का आवास वगैरह वो सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो आपको इतना भी टेंशन नहीं लेना है कि आपको कहाँ पे रूम लेना है कहाँ पे क्या, वो सारी चीज़ें कंपनी लिख रखी है तो भाई प्रोवाइड करेगी आपको जो है इतना समझ लो। उसके बाद हम चलते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। सबसे ज़रूरी बात है जो भी साथी अभी तक वीडियो देख रहे हैं उनको डॉक्यूमेंट में बता दूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं आपको। तो भाई आपके पास समय भी कम है आप डॉक्यूमेंट देख लें, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल मार्कशीट प्लस 2 फोटो एंड प्लस आधार कार्ड। ऑल देखिए फिर से सुन ले एक बार, ऑल जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 2 सेट फोटोकॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल मार्कशीट, उसके बाद है 2 फोटो एक आधार कार्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ असिस्टेड कर लेने हैं जो भी फोटोकॉपीज में आपके सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। उसके बाद जो है ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, ओरिजिनल में डॉक्यूमेंट में क्या क्या, 10th की मार्कशीट 10th की सर्टिफिकेट ITI की मार्कशीट ITI की सर्टिफिकेट, उसके बाद पैन कार्ड आधार कार्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इतने चीज़ लेके जाने हैं। इस कैंपस प्लेसमेंट में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दीघा घाट पटना केवल मार्गदर्शन मात्र है, सेवा शर्त वेतन आदि की अभ्यर्थी गुणवत्ता के बीच तय होगी। अब देखिए ITI ने इन्होंने साफ साफ डिक्लेरेशन कर रखा है कि भाई मैं सिर्फ जो है
एक सेवा शर्त, मतलब मैं सेवा दे रहा हूँ जो भी आईटीआई में भाई कैंपस लगे, तो भाई आईटीआई से दावा नहीं कर सकते हो कि हमको इतनी सैलरी क्यों नहीं हुई, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आप आईटीआई को दोष नहीं दे सकते हो भाई, जो कैंपस लग आईटीआई सिर्फ क्या कर रही है, उनको जगह प्रोवाइड कर रही है, उनको एक जो है सेवा दे रही है। तो जो भी आपको जो कैंपस जो भी आपकी जो है कंपनी की टीम आएगी वहाँ पे, उन टीम जो डिसाइड करेगी वही आपका होगा। और अगर टीम डिसाइड कर लेती है कि आप मेरे अकॉर्डिंग एलिजिबल नहीं है तो नहीं है, आप मेरे अकॉर्डिंग एलिजिबल है तो एलिजिबल है, तो वो सारी चीज़ें वो उन पे डिसाइड होगी, ना कि आपकी आईटीआई पे। तो आप आईटीआई को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये आपकी जो है वहाँ के प्रधानाध्यापक का वहाँ पे जो है हस्ताक्षर वगैरह, तो ये आप देख सकते हो। टाटा टेक पर जो सूचना वगैरह, तो भाई ये इतनी सारी थी और उसकी जानकारी। अब चलते हैं कि देखिए अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए ये है आपकी जो है कंपनी, इसी में आपको काम करने होंगे। देखिए ऑटोमेशन रोबोटिक एंड सॉल्यूशन फॉर एवरी इंडस्ट्री, तो जितने भी सारे इंडस्ट्री के में मशीनें होते हैं बड़े बड़े, जो भी मशीनें ऑटोमेटिक होती है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी में, आपने अगर काम किया हो मे बी ना किया हो तो, लेकिन आपने मोबाइल पे भी बहुत सारी कंपनी का देखा होगा, उसमें रोबोटिक मशीन होती है जो बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाती है, छोटे छोटे प्रोडक्ट को बनाती है, वो ऑटोमेटिक होती है, वो अपने आप उस जगह से उस जगह को वो सारी चीज़ें इक्विपमेंट वगैरह को लेके जाती है, वो सारी ऑटोमेटिक मशीन की जो है आप देख सकते हो। यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप देख सकते हो ये रोबोटिक मशीन आपने देख रहा होगा, तो ये सारी रोबोटिक मशीन जो है इन पे काम करती है कंपनी, तो अच्छी है कंपनी और बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। आप देख सकते हैं यहाँ ग्लोबल ऑटोमेशन लेयर, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है कंपनी के, आपने यहाँ पर देख लेंगे, बाकी बात जो है आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें, और इनके जो है अच्छी खासी जो है ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वगैरह ये बाकी ये सारी चीज़ें अच्छी है, आप जा सकते हो बिल्कुल। ये आप देख सकते हो ये है, ये सब मशीनें देखिए, ये जितनी भी सारी मशीनें हैं बड़े बड़े लेवल पे मशीनें हैं, और ये जो है पेंटिंग वगैरह ये सारी चीज़ देखिए, इतना काम करने में ये सक्षम, ये सारी मशीनें आप देखिए। फोर व्हीलर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, रोबोटिक के द्वारा यहाँ पे जो बहुत सारे नट वगैरह लगाए जाते हैं, तो हर इंडस्ट्रीज में आपकी रोबोटिक मशीन के इस्तेमाल हो रही है और होएगी भी आगे चल के। तो भाई इसका स्कोप भी अच्छे होंगे आपके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाते हैं इसके 3 साल का, तो भाई आप बेफिक्र होकर कहीं भी काम कर सकते हो, नो डाउट। अगर आपके पास इससे जाके 3 साल का एक्सपीरियंस, अब जब 10 ईयर हो गए तो 3 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा, जब आप इससे 3 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हो, कंपनी भी बहुत अच्छी है। आप सोचो ना कि हर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट ऑटो जो है मोबाइल सेक्टर या फिर ऑल ओवर जो है कंपनीज की जो है ऑटो रोबोटिक मशीन की जो है काम करती है, तो भाई आप सोच लो कि इतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी है और सैलरी भी अच्छी मिलेगी, तो आगे जाकर आपका इनके फ्यूचर भी अच्छा बनेगा, तो आप जा सकते हो मे बी, और जाएंगे जो भी साथी जाना चाहते हैं आप हमें कमेंट करेंगे, और हमें ये भी पता चल पाइए कितने साथी बिहार से कैंपस में जा रहे हैं पटना दीघा घाट। तो मिलते हैं किसी नए कैंपस प्लेसमेंट के साथ, तो जो भी साथी नए हैं चैनल पे, बिहार में कहीं भी कैंपस लगती है तो आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा मिल जाती है, चाहे वो आईटीआई से हो, बीटेक से हो, डिप्लोमा से हो, टेंथ से हो, किसी भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आपकी कहीं भी ऑलमोस्ट बिहार में कहीं भी कैंपस सफरी होगी, आपको इस चैनल के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, मिलते हैं किसी नए और ऑल ओवर स्टेट के कैंडिडेट का भी आपका जो है अपने स्टेट में जो है कैंपस प्लेसमेंट की वीडियो मिलने वाली है, तो मिलते हैं किसी नए कैंपस, तब तक बाय बाय, टेक केयर।